बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर पोस्ट लेडिंग छोरा में। क्या बात है, रजौरी कप जो क्रिकेट टूर्नामेंट वो आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया और उसका आज इनॉग्रेशन मैंने किया है। मेरे लिए बड़ा फख्र का मोमेंट है कि स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मैं पहले भी यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट में आया था और जो मैंने जज्बा देखा यहाँ लोगों में और ख़ासकर मेरे रजौरी के नौजवानों में, जिस तरीके का माहौल है रजौरी के अंदर, आज एक ड्रग का रजौरी के नौजवानों को ड्रग ने अपने गिरफ्त में ले लिया, इस माहौल में अगर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक माध्यम है ताकि नौजवानों को ड्रग से बचाया जा सके और जो नौजवानों के अंदर टैलेंट है उसको उजागर किया जाए। पहले भी जब मैं आया तो यहाँ बैरोट की टीम थी, मैंने सोचा कि बैरोट एक पहाड़ी के ऊपर है जहाँ ग्राउंड ना होने के बाद भी अगर बच्चों में इतना टैलेंट है तो अगर उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग की जाए तो मेरे रजौरी के नौजवान नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल सकते हैं। आज भी मैंने देखा पोठा की टीम, यानी पोठा अगर आप जाएंगे तो वहाँ कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम नहीं है, तो मेरी हमेशा मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी स्पोर्ट्स को लेकर मैंने वादे किए और मेरे अपने मैनिफेस्टो में ये बात है कि मैं हर ब्लॉक में एक एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम वो बनाऊंगा। आज मैंने यहाँ दो चार बातें दोहराई हैं। यहाँ पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने एक बात कही थी कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया और आप लोगों के तावन से अगर मैं यहाँ एमएलए बना तो ये 2500 रुपया जो फी है इसको मैं एग्जम्प्ट करवाऊंगा, तो इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं और 2500 जो रुपया ये पर डे फी भरते हैं तो वो माफ़ करेंगे, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, उनको उनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो कंट्री करके यहाँ स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर यहाँ से सिर्फ एक ग्राउंड के लिए उनको 2500 रुपया देना है, तो वो ये एग्जम्प्ट करेंगे। ये मैं स्पोर्ट्स काउंसिल जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे मैं बात करूँगा। दूसरा मैंने ये कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके नाम पर राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स मेला यहां रजौरी के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें पहले मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट कहा था लेकिन इसको बढ़ाकर हम स्पोर्ट्स मेला, जिसमें हर तरह के खेल को इंक्लूड करेंगे ये, और उसमें एंट्री फी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो हमारी पार्टी बियर करेगी और जो भी इनाम मिलेंगे, जो रनर विनर टीम और रनर टीम, अगर विनर टीम को 50,000 का इनाम मिलेगा तो रनर आपको भी 50,000 का इनाम मिलेगा, ताकि सिर्फ खेलना इम्पॉर्टेंट है, जीतना और हारना इम्पॉर्टेंट नहीं। तीसरी बात, एक नया ट्रेंड हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, एमएलए अवार्ड, स्पोर्ट्स मैन का एमएलए अवार्ड, जो बेस्ट स्पोर्ट्स मैन होंगे, 3 बेस्ट स्पोर्ट्समैन डिस्ट्रिक्ट रजौरी के, उनको एमएलए अवार्ड से नवाजेंगे और वो हम उसमें क्या मेजर्स होंगे क्या होगा वो एक बैठ के एक जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं उनकी एक ज्यूरीज बनाएंगे और पूरे साल की गतिविधियां देखेंगे ताकि एक इंसेंटिव मिले स्पोर्ट्स लोगों को और उनको एक प्रेरणा मिले ताकि वो स्पोर्ट्स की तरफ नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए। मेरी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स को लेकर बड़ी क्लियर है, मैं नौजवानों को इस ड्रग की बवा से, मेरा जीरो टॉलरेंस टू ड्रग है और मैंने अपनी मंशूर में भी ये कहा और मैं आज आपके माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था 8 तारीख को जब मेरी काउंटिंग हुई थी, मैंने इलेक्शन में कहा था कि 8 तारीख तक जो ड्रग का कारोबार करते हैं, जो मौत के सौदागर हैं, उनके लिए मेरी चेतावनी है कि या अपना ये काम छोड़ दो या आपका ठिकाना जो है डांगरी और कोट बरवाल होगा। और मैं आज
फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि रजौरी के अंदर ड्रग का कोई भी काम करने वाला, मैंने अपनी स्पीच में भी ये कहा था कि दो काम लेकर मेरे पास कभी मत आना, एक ड्रग का धंधा जो ड्रग का कारोबार करते हैं उसके रिलेटेड मेरे पास सिफारिश करवाने मत आना, और दूसरा कोई भी रेप विक्टिम, रेप जो रेपिस्ट जो वो मेरे पास मत आना कोई रेप का, कि किसी इज्जत के साथ खेल कर मैं उसकी सपोर्ट मैं कभी नहीं करूँगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा देंगे ताकि हमारे रजौरी की जो आने वाली नस्लें हैं वो तरक्की की तरफ चल सके। बता दें कि आज के जो चीफ गेस्ट हमारे बीच तशरीफ फरमा है, एमएलए रजौरी जनाब इफ्तार अहमद साहब, उनके साथ आशिक शाल साहब, लियाकत चौधरी अली साहब।